हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एड्यूलिमिनी सेंस पर। आज हम सभी जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट सेल्स। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पर वीडियो बनाऊं, तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रेगमेंट्स, या हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का सिंथेसिस होता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए है उसका सिंथेसिस होता है रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दो डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं और फिर डीएनए से ही आपका आरएनए बनता है। अलग अलग किस्म के आरएनए होते हैं ये हम सभी जानते हैं। तो क्योंकि हम आरएनए की सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये डीएनए से बन रहा है, तो इसके लिए हमको दो डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स तो बनाने ही होंगे या दोनों स्ट्रैंड तो बनाने ही होंगे। तो यहाँ पर एक पिंक स्ट्रैंड है और एक यहाँ पर पर्पल स्ट्रैंड है, तो दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में जिस और ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स में बस होगा, यूकैरियोट्स में नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो है एक पिंक स्ट्रैंड है, एक पर्पल स्ट्रैंड है। पिंक स्ट्रैंड जो यहाँ पर है, समझ लीजिए वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, मतलब इसी से समझ लीजिए आरएनए बनता है। दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड में आरएनए तो नहीं बनता, लेकिन एक कोड जो है यूज़ होता है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि हाँ आरएनए सिंथेसिस चालू करनी है इधर से। फिर अगर हम इसके बारे में थोड़े और डीपली बात करें तो यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो नॉन कोडिंग है। यहाँ पर आपकी सिंथेसिस होने वाली है और जहाँ नहीं होगी वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आरएनए सिंथेसिस है उसमें हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस यूज़ होंगे उन बेसिस में हमेशा इसकी जगह आपके ए के साथ टी के जगह यू यूज़ होगा, मतलब कि जो आपका थायमीन है उसकी जगह यूरेसिल यूज़ होगा। ओके, ये तो मुझे लगता है आप सभी को पहले से पता होगा। अब क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब क्या हुआ कि वो कहीं से भी नहीं चालू हो जाएगा। इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए में हर कहीं से आरएनए सिंथेसिस चालू नहीं हो सकती। उसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, तो वो सेगमेंट जो है वो आपके एंजाइम को पहचानना होता है। तो जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो एंजाइम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। इसको हम बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि आरएनए बना रहा है लेकिन डिपेंडेंट किस पर है, डीएनए पर है। इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। 5 सब यूनिट्स में से जो 4 पार्ट्स होते हैं वो एक सिंगल यूनिट फॉर्म करते हैं और जो एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा यूनिट्स हैं, एक बीटा है, एक बीटा डैश है और एक सिग्मा है। सिग्मा जो है वो यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो आपका कोड है जिसके वजह से या जिसके होने से आपका आरएनए का सिंथेसिस चालू होगा या शुरू होगा उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सिग्मा यूज़ होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स की। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा कि आपका डीएनए सिंथेसिस आपको याद होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो अगर नहीं देखा होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसकी लिंक दे दूंगी याद से। तो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो स्टेप्स जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहली स्टेप है इनिशिएशन, फिर है एलोंगेशन, फिर है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, मैंने 2 स्ट्रैंड्स बनाए थे, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड था, एक कोडिंग स्ट्रैंड था। यहाँ पर भी आपको 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन जैसे डीएनए सिंथेसिस में होता था, वैसे यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वो आपका जो एंजाइम है उसका सिग्मा फैक्टर जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए सबसे पहले एक कोड होते हैं, 2 स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। तो जो कोड नंबर 1 है उसे हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, या हम बोल सकते हैं प्राइब नाउ बॉक्स। प्राइब नाउ बॉक्स जो है वो स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से 10 बेसिस दूर होता है, लेफ्ट की तरफ 10 बेसिस दूर। और ये कोड क्या होते हैं, TATAAT,
मतलब ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा होता है -35 सीक्वेंस, इसमें प्रेजेंट होता है टी टी जी ए सी ए, जो कि स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से 35 बेसिस दूर होता है लेफ्ट तरफ। तो इससे आपका जो सिग्मा फैक्टर है वो पता लगा लेता है कि हाँ इस तरफ से हमको ट्रांसक्रिप्शन चालू करना है। तो ये तो हुआ इनिशिएशन। सबसे पहले सिग्मा आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ से उसको प्रमोटर रीजन जो है वो कहाँ से चालू होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इलोंगेशन की। तो इलोंगेशन में क्या होने वाला है, ये जो आपका पर्पल स्ट्रैंड बनाया है मैंने, मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जहाँ पर प्रोसेस होने वाली है, कौन सी प्रोसेस होने वाली है, आरएनए सिंथेसिस की। अब वहाँ पर आपका एंजाइम आ जाएगा, कौन सा है वो एंजाइम, वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अब सिग्मा फैक्टर से जुड़ जाएगा और शुरू करेगा सिंथेसिस आरएनए की। यहाँ पर किसी प्राइमर की आपको ज़रूरत नहीं है जैसे कि डीएनए में हुआ करती थी, यहाँ पर क्लियरली बस ये एंजाइम आएगा और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस को जोड़ना चालू कर देगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पर्पल स्ट्रैंड है, मतलब कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन में है, और इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी आरएनए सिंथेसिस होने वाली है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होगी। ओके, 5' टू 3' डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, मतलब कैसे जुड़ जाएंगे ये सारे, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो पहचानता है कि उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट जितने भी आपके क्या बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं जो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में यहाँ पर घूम रहे हैं, जैसे कि आपका एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया, यूटीपी हो गया, ये सारे जो वहाँ पर घूम रहे थे उनको वो एक एक करके अरेंज करेगा और उसके अकॉर्डिंग जैसे ए के साथ जुड़ गया यू, टी के साथ जुड़ गया ए, सी के साथ जुड़ गया जी, इस तरह से अरेंज करेगा सब जगह, जैसे कि यहाँ पर देखिए पूरे अरेंज करें। फिर यहाँ पर अरेंज करने के बाद उनकी कॉइलिंग होगी। कॉइलिंग में देखा जाता है कि सुपर कॉइलिंग होने लगती है जिसके कारण फ्रेगमेंट जो है वो टूट सकता है, उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो वो जो सुपर कॉइलिंग है वो अवॉइड की जा सकती है बाय यूजिंग टोपो आइसोमरेज एंजाइम। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसमें टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो है वो किसी भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर का क्या बोल सकते हैं हम, सुपर कॉइलिंग को रोकता है। तो यहाँ पर भी सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए टोपो आइसोमरेज यूज हो रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं टर्मिनेशन की तरफ। टर्मिनेशन में क्या है, कॉइलिंग हो गई, आरएनए स्ट्रैंड बन गया, आरएनए स्ट्रैंड बनने के बाद में उसका टर्मिनेशन होता है कि हाँ अब इतना ही स्ट्रैंड हमको बनाना है, इसके बाद नहीं बनाना, तो आरएनए फ्रेगमेंट रिलीज हो जाएगा। पर ये टर्मिनेशन होता कैसे है, ये एक सवाल है। तो दो तरीके के फैक्टर जो हैं वो यूज़ होते हैं आरएनए के सिंथेसिस को टर्मिनेट करने के लिए। जो पहला फैक्टर है या पहला टाइप ऑफ टर्मिनेशन है वो है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो जैसा कि पहला जो फैक्टर मतलब पहला जो टर्मिनेशन है वो है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में होता क्या है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको हम रो फैक्टर कहते हैं, वो बाइंड होता है आरएनए, जो बना हुआ आरएनए है उससे बाइंड होता है और कुछ हद तक डीएनए से भी बाइंड होता है, और क्या करता है ये एटीपीएज की तरह एक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है और जो आरएनए है वो रिलीज हो जाता है। दूसरा तरीका होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, मतलब कि इसमें रो प्रोटीन नहीं आता, इसमें रो प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसमें होता क्या है, इसमें पैलिंड्रोम्स बनते हैं। पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम उल्टा या सीधा कैसा भी पढ़े वो हमको एक ही जैसा लगे, जैसे मैडम आगे से पढ़ लीजिए या पीछे से पढ़ लीजिए सेम लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेशन के लिए जो आपका डीएनए टेम्पलेट होता है उस डीएनए टेम्पलेट पर इस तरीके का बेस सीक्वेंस आता है जो कि सेम लगे उल्टा और सीधा पढ़ने पर, वो ही आपका टर्मिनेशन रीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो आरएनए फ्रेगमेंट है उसका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो इस सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये जो रीजन है जहाँ पर ये पैलिंड्रोम बन रहा है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन रीजन। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।